और बहरा बजाए तो वो अंधे हैं और जो उनके फॉलोवर हैं वो बहरे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ सबूत नहीं होगा तो वो छूट गए ना। संजय रावत सरकार चला रहे हो आप जेल से तो माफिया चलाया जाता है, गुंडे चलाते हैं, गुंडे बैठते हैं जेल में, कत्ल करवाते हैं, वही आप काम कर रहे हो। तो समझ रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन मेरे को पता लग गया आपका पढ़ा लिखा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है आपका। पहला हेमंत विश्व शर्मा वाला 20 साल कांग्रेस में रहे तो भ्रष्टाचारी थे, ठीक है, उसके बाद वो बीजेपी में गए, बीजेपी में गए। आप सुनो, चार बंदे मेरे सामने गलत हैं, आप मेरी साइड आ गए, आप पे ध्यान हट जाएगा। सामने वाला जो काउंटर कर रहा है, जो मतलब उसका विरोधी कर रहा है, तो पहले उसको पकड़ेगा ना कि भैया ये बड़ा विरोध कर रहा है। तो गलत आदमी हो तभी आपके साथ हो रहा है ना। अगर मान लो आप गलत नहीं होते तो जैसे नवीन पटनायक है उड़ीसा के, ये क्या नाम, नीतीश कुमार, कभी इधर होते कभी उधर होते, उनके पे भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना। जो करप्ट है, चाहे वो सामने वाला है, सामने अगर खड़े हो तो ज्यादा दिख रहे हो, बराबर में खड़े हो जाओगे तो थोड़ा कम बाद में दिखोगे। यही हो रहा है, इनकी फाइलें बंद नहीं हुई है, ये लोग भी जाएंगे आज नहीं कल, देर में जब गलत हो तो उसकी सजा तो लेनी है। अब ले रहे हो तो उस पे हायत है, वह छाती पीटने से कुछ होना नहीं है। केजरीवाल जी को कोर्ट ने दिया है, मोदी जी से कोई लेना देना नहीं था, ईडी ने सबूत पेश किया, कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब इसमें उसमें कहां से मोदी जी आ गए, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, खत्म हो चुका है देश भर में। जहां पे इनका ठीक ठाक लग जाता है लोकतंत्र बहाल हो जाता है, जहां पे ये गड़बड़ हो जाता है लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। तो ये पहाड़ा पड़ ही रहे, ये नहीं चलने वाला, चुनावी मुद्दे नहीं है। आप सामने पहलवान खड़े करो, आपकी सीट से मैं गोरखपुर से आता हूँ, वहां से विनय सिंह लड़ना ही नहीं चाहते, उनको पैसा भी दे रहे हैं। आप बताओ कांग्रेस के अगर लीडर लड़ेंगे नहीं तो बातें करने से बकैती करने से जीत जाओगे? आप बगैती करके तो नहीं जीतोगे, धरातल पर उतरना है, चुनाव में जाना है, जनता तक पहुंचना है, जन जन तक पहुंचना है, फिर वहां से वोट हासिल करना है, जीतना है, फिर आके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठ के अपना नेता चुनोगे। जब आप ये सब करोगे नहीं, प्रोसीजर से कोई लड़ने को तैयार नहीं है तो जीत कैसे जाओगे भाई? आरोप लग रहा है कि सरकार तानाशाह की तरह बर्ताव कर रही है, सबको उठा करके जेल में डालते जा रही है, मतलब बीजेपी विपक्ष मुक्त सरकार चाहती है। आए और बहरा बजाए तो अंधे हैं और जो उनके फॉलोवर हैं वो बहरे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ सबूत नहीं होगा तो वो छूट गए ना। संजय रावत, उनके साथ भी ईडी लगी थी, मोदी को भी ईडी ने 7 घंटे बिठा के पूछताछ की थी, चीफ मिनिस्टर थे, वो भी छूट गए। जो ठीक है, जो ईडी को कुछ है ही नहीं तो छोड़ देगी। अगर आपके खिलाफ सबूत चीख चीख के कह रहे हैं तो फिर भाई कहाँ का गलत, वो तो भाई कानून है और वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, कोई ये तो है नहीं किसी का जेब में है, वो तो अपनी कार्रवाई कर रही है। जब सबूत मिल रहा तो आप अंदर जा रहे हो तो छाती क्यों पीट रहे हो? केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हाल ही में हुआ है, पूरा आम आदमी पार्टी के समर्थक सड़क पर चीड़ फाड़ कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, कार्यकर्ता कर रहे हैं। पब्लिक अगर उतरती बात कुछ और होता है, उनके साथ पब्लिक उतरने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ता जो पेट कार्यकर्ता है उनके शोर मचाने से कुछ होने जाने वाला नहीं। और पहली बार पब्लिक को भी पता लगा 350 करोड़ का लेन देन हुआ साउथ लॉबी के थ्रू, फिर उसके बाद 38 करोड़ इधर से, फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात जो लोग इनके साथ के थे वो सरकारी गवाह बने, तीसरी बात कि जो वहां एमएलए को पैसा पहुंचाया गया उन्होंने मान भी लिया, हमें कैश दिया गया चुनाव में गोवा में। तो सारी चीजें जब आपके खिलाफ है, आपके लोग खिलाफ है, अब आप मनोज सिसोदिया को फंसा रहे हो, आप उसको फंसा रहे हो। अब एक बात बताओ, जब इस तरह की फाड़ आपके अंदर ही है, जब आप लोग ही ये सारी चीजें करके बैठे हो, आप ही उसके कर्ता धर्ता सूत्रधार हो, पूरी पार्टी गुनहगार हो गई, तो ये ईडी सीबीआई ने अपने घर से तो सबूत दिया नहीं, जो फाइल बनाई वो आप ही की थी। अभी तो आपके साथ और भी आगे होना, अभी तो आप उसकी कस्टडी में हो, वहां से फिर जेल जाओगे। आप बताओ जेल से सरकार कैसे चलती है? आपके यहाँ काबिल नेता नहीं है चीफ मिनिस्टर के लिए, आप उनको बिठा दो, लेकिन नहीं, सरकार चला रहे हो आप जेल से तो माफिया चलाया जाता है, गुंडे चलाते हैं, गुंडे बैठते हैं जेल में, कत्ल करवाते हैं, वही आप काम कर रहे हो। आप अगर इतने भले नेता हो तो किसी को दे दो, जैसे शिबू सुरेन ने इस्तीफा दिया फिर गिरफ्तार हुए, ठीक है, तो आप गरिमा भी खराब कर रहे हो। बस कानून नहीं है उसका फायदा उठा रहे हो कि जेल से चीफ मिनिस्टर बैठ के चला सकता है। कहा करते थे कि जांच मतलब इस्तीफा, मतलब पहले साफ होकर के आ जाइए, और अब खुद जेल से सरकार चला रहे, इस्तीफा नहीं देना चाहिए उनको। ज्यादा बुलंद आवाज करप्शन के खिलाफ यही कर रहे थे। शराब के लिए तुम आए थे अन्ना के साथ, आपको रिपोर्ट करने वाली पहली कांग्रेस है, माखन जी है, सबसे पहला रिपोर्ट किया था शराब नीति को लेके माखन जी ने, जिसके साथ अलायंस करके बैठे हो। तो जब आपके अपने लोग नहीं साथ देंगे ना तो आपकी यही दुर्गति होगी। आप किसी पे चिट्ठा मत फाड़ो, आप जाके कहते हो कोर्ट में माफी मांगते हो, यहाँ आके पब्लिक को कह देते हो मोदी जी घबरा गए इसलिए मैं जेल जा रहा हूँ। अरे भैया जो सत्य है वो बताओ, आज निकल पब्लिक के सामने आएगा और बुरा हाल हो जाएगा, विधानसभा में से जाओगे। पहले कांग्रेस को गाली देते थे केजरीवाल, आज प्रियंका गांधी राहुल गांधी ट्वीट करके बचाव कर रहे हैं उनकी, ये दोहरी चरित्र नजर आ रहा है। बाडरा को, इनके जीजा जी को फंसाने वाले केजरीवाल है, आप भी जानते हो, सभी जानती दुनिया, यही लेके आए थे लिस्ट, और डीएलएफ के मामले में फंसे थे जो बीकानेर की जमीन खरीदी थी। आप बताओ, इन माखन जी हैं शराब नीति में इनको लेके आए थे, ये पहले आवाज उन्होंने उठाई थी,
तो जब कांग्रेस ही और ये दूसरे से ही लड़के आप अपने कर्मों को दोष दे रहे हो तो बचाने में लगे और बचाने में लग रहे हो, मोदी को दोष दे रहे हो। अरे यार कहाँ का कहाँ फिट कर रहे हो, समझ आना चाहिए आप इतने। हम तो समझ रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन मेरे को पता लग गया आपका पढ़ा लिखा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है आपका। आपको चाहिए अब जेल में विश्राम करो और आत्ममंथन करो कि हमने जो गलतियां की हैं उसकी सजा हमें मिलनी है। पब्लिक क्या कर लेगी, पब्लिक रोड में नहीं उतरने वाली, चाहे 31 को हो चाहे 26 को। आज भी 26 है, 31 को सुना है प्रोटेस्ट करने वाले सारी अंडी ये कार्यकर्ता उतरेंगे। पब्लिक जब उतरेगी आपके साथ तब समझ जाना हमारे साथ जन समर्थन है। केजरीवाल के साथ पब्लिक नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है पब्लिक। पब्लिक होती देखो, हम भी तो दिल्ली के रहने वाले, सभी दिल्ली के रहने वाले, सभी जाते, हमारे को भी दुख होता। ये पहले वाले केजरीवाल होते सारे बयान से तुम पलट गए, शीश माल बना के बैठ गए, लाल लश्कर सब ले लिया, तुमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद कहते हो कि जी मैं फंस गया। अरे भाई शराब नीति बनाई तो आपके साइन हुए, तो आपने उसको विड्रॉ क्यों कराया, पब्लिक को जवाब दो। अच्छा शराब ऐसी चीज है कि कोई साथ नहीं देगा और सबसे मोटा करप्शन उसी में आपने किया है, तो भाई पब्लिक को सब मालूम है। आप देखो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, जन जन तक बातें पहुंच जाती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी शक्ल देख के मीडिया पे जज कर लेते हैं लोग कि आपके साथ क्या चला।